सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल जिस चैनल को और उसके बाद प्रेस कीजिए इस बेल को ताकि फ्रेंड्स आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त जादू सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल जेएस। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट कैसे बना सकते हो। जी हां दोस्तों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रोसेस दिखाऊंगा, क्योंकि दोस्तों अभी क्या हो रहा है कि जितने भी लोग गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर रहा है तो ज़्यादातर लोगों का वो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप सेफली कैसे अपने मर्चेंट अकाउंट को बना सकते हो, उसके बाद उसे वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद गूगल पे मर्चेंट के लिए जो ऑफर चलता है जिसमें आपको साइन अप करते ही 50 रुपीज एज ए साइन अप बोनस मिलता है आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट पे, एंड उसके साथ आप इस मर्चेंट अकाउंट से मंथली 500 रुपीज तक अर्निंग कर सकते हो। तो इस ऑफर का पूरा फायदा आप उठा सकते हो। तो दोस्तों, आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, जो भी स्टेप मैं आपको बताता हूं उसे आप अच्छी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, मर्चेंट अकाउंट बनाने से पहले सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात कि गूगल पे मर्चेंट अकाउंट पे आप कभी भी अपना पेमेंट्स बैंक को लिंक मत करना, कोई भी पेमेंट्स बैंक, नहीं तो दोस्तों आपका गूगल पे मर्चेंट अकाउंट इंस्टेंट रिजेक्ट हो जाएगा गूगल की तरफ से, ठीक है ना। दूसरी बात है कि गूगल पे मर्चेंट अकाउंट बनाने के लिए आपके पास कोई शॉप जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आपके किसी दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार के पास एक शॉप होना चाहिए जिसको आप दिखा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको वेरीफाई करने के लिए लाइव आपको अपना जो शॉप है उसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। और उसी के साथ दोस्तों, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डालोगे वो बिल्कुल रियल होना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों, ये गूगल पे मर्चेंट अकाउंट आप जिस नाम से बनाओगे उसी नाम पर आपका जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि पैन कार्ड, इसके बाद दोस्तों और भी जो चीज़ें आपको लगेंगे बैंक अकाउंट, तो सभी उसी नाम पर होना चाहिए, ठीक है ना, तभी आपका मर्चेंट अकाउंट वेरीफाई होगा। तो चलिए दोस्तों, प्रोसेस देख लेते हैं कि क्या आपको करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है प्ले स्टोर पर या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैं आपको गूगल पे बिजनेस एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दूंगा। तो सिंपली आपको वो एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है, ठीक है ना। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों, आप सिंपली इसे ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद दोस्तों, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। नीचे दोस्तों आपको सबसे पहले एक जीमेल आईडी देने के लिए बोला जाएगा, तो आप कोई भी जीमेल आईडी चूज करो और उसके बाद कंटिन्यू कर दो। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको अपना बिजनेस डिटेल सेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप प्लस के बटन पे क्लिक करो। इसके बाद दोस्तों, जो भी आपका बिजनेस डिटेल्स है वो सब कुछ आपको यहाँ पर ठीक से डालना है। सबसे पहले आपको डालना है बिजनेस रजिस्टर्ड नेम, कौन से नाम से रजिस्टर्ड है। इसके बाद डालना है शॉप नेम। इसके बाद दोस्तों, कौन से टाइप है, मतलब कि आपका खुद का है या पर कोई पार्टनरशिप पे है। इसके बाद दोस्तों, आपका कैटेगरी डालना पड़ेगा कि किस टाइप के शॉप है आपके पास, ठीक है ना। इसके बाद शॉप ओनर नेम, ये सब कुछ डाल के आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। जब भी आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, इसके बाद दोस्तों ये बिजनेस का आपको लोकेशन पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो आप फुल लोकेशन यहाँ पर आप डाल दीजिए सही से। इसके बाद नीचे देखिए, आपको यहाँ पर दोस्तों एक मैप का भी ऑप्शन मिलेगा, आपको मैप पर क्लिक करना है और ये जो आपका लोकेशन है वो लोकेशन को फिक्स्ड करने के बाद, मतलब कि पिन कोड वगैरह डालने के बाद, यहाँ पर दोस्तों आपको उसे कंफर्म करना है मैप पे, ठीक है ना। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर डालने के लिए बोला जाएगा, तो आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हो। इसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरीफाई कर लो। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद दोस्तों, यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड और उसका एक फोटो अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो सही से जिस नाम से बना रहे हो अपना पैन कार्ड डालो, उसका एक फोटो खींच लो सामने का और उसके बाद उसे अपलोड कर दो। इसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद इस बार आपको बैंक अकाउंट डालने के लिए बोला जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको वीडियो की शुरू में बता चुका हूँ कि यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट्स बैंक नहीं डालना है, कोई फिजिकल बैंक ही डालना होगा, तभी आपका अकाउंट जो है वो अप्रूव्ड होगा, नहीं तो भाई रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली यहां पर कोई भी फिजिकल बैंक आप डालो, इसके बाद दोस्तों आईएफएससी कोड डालो और यहां पर कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही दोस्तों, यहाँ पर आपके पास कुछ इस टाइप का सामान आ जाएगा, मतलब कि आपने जितने भी चीज़ें डाले हैं वो सब कुछ आपको शो करेगा। चाहो तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करने के दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो गूगल पे का मर्चेंट अकाउंट है वो बन चुका है, और इसके बाद कुछ इस टाइप का बैनर आपको एक शो होगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि आपका मर्चेंट अकाउंट क्रिएट हो चुका है, लेकिन उसे अप्रूव्ड होने के लिए लगभग 1 से लेकर 2 दिन टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 1 से लेकर 2 दिन वेट करना है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा भी टाइम लग सकता है और उससे कम भी लग सकता है। ऐसे कि दोस्तों ये अकाउंट पे देख सकते हो कि मेरा अप्रूव्ड हो चुका है, ठीक है ना, कुछ ही घंटे बाद यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या होगा, आपके मर्चेंट अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। तो जैसे ही आपका अप्रूव्ड हो जाता है, ये आपका रेडी हो चुका है, आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले वेरीफाई करना पड़ेगा। ऊपर देखिए आपको एक क्यूआर कोड का भी ऑप्शन मिल जाएगा, इसी क्यूआर कोड को स्कैन करके आपको पेमेंट एक्सेप्ट करना है। और इसके बाद दोस्तों नीचे आपको ऑफर भी शो हो जाएगा, तो ऑफर के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। सबसे पहले वेरीफाई कैसे करना है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, तभी आपका मर्चेंट अकाउंट फुल वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना। अब दोस्तों आपको वेरीफाई कैसे करना है, देखिए दोस्तों, जब आप वेरीफाई करोगे तो आपको किसी जो भी आपने शॉप दिया है उस शॉप पर आप रहना, आप घर पे मत रहना, आप शॉप पे जाकर रहना, क्योंकि आपके पास एक लाइव कॉल आएगा गूगल डीओ की तरफ से, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपने जितने भी चीज़ें डाला है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना जीमेल आईडी पूछा जाएगा, कौन से जीमेल आईडी आप डाले हो। इसके बाद दोस्तों आपका पैन कार्ड वगैरह, इसके बाद आपका नेम और जो भी चीज़ें आपको मांगा जाता है
पूछा जाता है आपसे लाइव वीडियो कॉलिंग में, तो सिंपली दोस्तों सही से आपको बताना है और लास्ट में आपका पैन कार्ड का नंबर, उसका फोटो और उसी के साथ दोस्तों ये जो आपने शॉप मतलब कि जितने भी डिटेल्स दिया है उसका एक लाइव फोटो आपको शो करना पड़ेगा। और अगर शॉप का कोई भी कागज़ रहता है, कोई भी पेपर वगैरह रहता है, तो वो भी आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वेरीफाई कैसे करना है, नीचे देखिए यहाँ पर आपको एक कॉलिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होगा। अगर कस्टमर बिजी नहीं रहता है तो यहाँ पर कस्टमर की तरफ से गूगल डीओ की तरफ से आपको एक कॉल आएगा वीडियो कॉलिंग, और ये सभी सब कुछ डाल के जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके अकाउंट को वेरीफाई कर लेना होगा। उसके बाद इंस्टेंट आपके अकाउंट पे मतलब कि जो भी बैंक अकाउंट आप डालोगे यहाँ पर आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा 50 रुपीज का। नीचे आप देख सकते हो, आप होम स्क्रीन पर नीचे आ जाओ तो यहाँ पर आपको शो ऑफर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आपको दो स्क्रैच कार्ड दिखेंगे। सबसे पहले ये वेरीफाई करने के लिए आपको एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा 50 रुपीज का, जो आपको इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट पर भेज दिया जाएगा जब आप वेरीफाई करोगे, ठीक है ना। अब दोस्तों ये आपको 50 रुपीज़ साइन अप बोनस तो मिल चुका है, लेकिन दोस्तों ये जो आपको मंथली 500 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा उस ऑफर को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए नेक्स्ट स्क्रैच कार्ड में आपको ये ऑफर के बारे में बताया गया है। आपको करना क्या है, देखिए जब आपका मर्चेंट अकाउंट फुल वेरीफाई हो जाएगा इसके बाद दोस्तों आपको मिनिमम 100 रुपीज़ या उससे ज़्यादा करके अलग अलग यूजर से पेमेंट एक्सेप्ट करना होगा अपने मर्चेंट अकाउंट पर। तो दोस्तों आपको हर 5वें पेमेंट के लिए मतलब कि 5th पेमेंट के लिए एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा गूगल पे की तरफ से, जिसमें आपको अप टू 100 रुपीज़ का कैशबैक मिलेगा। और इसी तरह से दोस्तों आप इस ऑफर से मंथली 5 स्क्रैच कार्ड अर्निंग कर सकते हो, मतलब कि 100-100 करके टोटल 500 रुपीज़। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है फ्रेंड्स ऑफ कोर्स वीडियो को एक लाइक करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक केयर।